हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ऑफिस जा रहा हूँ आज। अभी इस वक्त मैंने कहा आज जो लंच है बहुत दोस्तों की छोटी सी गैदरिंग के साथ है, जो हम गेट टुगेदर करते रहते हैं कुछ दोस्त। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर व्लॉग में हमें, तो आज भी ये जर्दे के साथ जो है वो आई थिंक कोरमे वर्मे का बंदोबस्त है। पाकिस्तान की मर्सिडीज जा रही है। इसको हॉर्न भी बजाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर्सिडीज बेंज कायदे आजम रेजिडेंस मेट्रोपोल। इस वक्त हम लंच पे जा रहे हैं, सारे दोस्त वहाँ वेट कर रहे हैं। अभी फ़ोन आया है कि जल्द से पहुँचें, जल्द से ज़्यादा पहुँचें। तो जल्दी क्या पहुँचें, ट्रैफिक का रश है। पहुँचते हैं अभी आपसे, फिर लंच भी आपको दिखाते हैं। पहले आप बाहर के नज़ारे तो कर लें। बाहर का सीन तो देखें, गवर्नर हाउस के पास से इस वक्त गुजर रहा हूँ। मार्केट बिजनेस शॉपिंग मॉल ये जाना मार्केट अब्दुल्ला रोड। सबके लिए अच्छी है, गरीब और अमीर सबके लिए। गरीब आदमी भी शॉपिंग कर सकता है, अमीर आदमी भी कर सकता है। अब्दुल्ला हारून रोड, ये के इलेक्ट्रिक का फॉर्मर हेड ऑफिस था यहाँ पर, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जब होती थी। फरी चैम्बर ऑन विद। हाय गाइस, हाय। अरे आबिद कुरैशी साहब सर, कैसे मशहूर यूट्यूबर कानूनदा सादिया इरफान भाई, बहुत बड़े वकील हैं सफदर आबिद कुरैशी, नदीम साहब, थैंक यू सर, कैसे हैं आप? फुरकान कुरैशी मशहूर मारू वकील, रिजवान भाई, लो पढ़ लो अभी भी। यार खाने में इतनी देर क्यों हो रही है? फोन कर लो खाने के लिए, तो क्या हुआ? खाना अभी तक आया नहीं, तुम तो ऐसे फोन कर रहे जैसे खाना आ गया यार। हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब हमने नई नई वकालत शुरू की थी तो हमारे भाई हमें बहुत गाइड करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इरफान भाई, तारिक भाई ने अपने आप को बहुत मेंटेन किया हुआ है, बॉडी वाइज भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरह से जो है मेंटेन किया है माशाल्लाह से। सर ये तो ऐसे ही इनको जो है खुश करम, ये तो आपकी नजर है करम है सर। नदीम भाई की तरह मत करिएगा, वहाँ पे मेंटेनेंस खराब हो जाएगी। सर नदीम भी बड़े मेंटेन है, आंखें इनकी कमजोर हो गई पता नहीं किस वजह से, या तो उन्होंने ज्यादा घुरियां मारना शुरू किया तो उनकी आंखें कमजोर हो गई। सफदर भाई, सफदर आबिद कुरैशी साहब, हमारे आबिद भाई जो हमें जिंदगी में कॉलेज में जिन्होंने एंजॉय कराया है। लोग इनको कहते थे सर आबिद। ये हमारे गोठाई हैं सफदर भाई, सफदर भाई ग्रेड 19 ऑफिसर। सादिया जो है हमारे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं, जहरुल हसन मिनास हमारे क्लास फेलो, उनकी एसोसिएट हैं, जूनियर नहीं एसोसिएट। आजकल जूनियर वाला सिस्टम खत्म हो गया। हमारे जो मेजबान हैं आमिर तबस्सुम है, आज ये सारा अरेंजमेंट इन्होंने किया है। आमिर तबस्सुम तो जल्दी करेगा खाना बनाने। क्या बना हुआ भाई, ये कोरमा है? कोरमा बना हुआ, बहुत खुशबू आ रही है इसकी यार, जबरदस्त किस्म की खुशबू है, जबरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। ओह वाह वाह, जर्दे की क्या ही बात लग रही है मुझे, वाह वाह वाह, मजा आएगा, अभी खा के दिखाते हैं आपको। मेरी बहन निकालिए आप, आप बताइए खा के कैसा लग रहा है। नदीम साहब अभी खा के बताएंगे, इकरा बेस में रबी का खोलने के लिए होगा नहीं। साथिया सुमेरा खा के बताएंगे हमें कैसा लग रहा है, अभी खा के बताते हैं भाई कैसा है। नदीम साहब प्लेट पास कीजिएगा सर, आप शुरू करें ना, क्यों नहीं शुरू करें, कैसा है साथिया सुमेरा, ये कैसा है? बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, बहुत मजे का आना, बहुत मजा आया भाई। क्या हाल है, खैरियत है?
वो और बाकी लोग भी हैं। आलम के साथ तो शीर मार का कुर्सी पर क्या शक्ल है इसकी यार, बहुत ही खूबसूरत लजीज जगह। हम सब ने सैर होकर खाना खाया, इसमें हमें बहुत मजा आया और ये खाना खाने के बाद हमारे दोस्त रवाना होगा। कितने मतलब ही हो यार, खाना खाते ही निकल पड़े यार। थोड़ी देर आदमी रुकता है, चाय पीता है थोड़ा यार, इस तरह थोड़ी होता है, खाना खाते ही निकल गया। देखो यार ये क्या तरीका है। देखिए हमारे भाई फुरकान बैठे हुए, नदीम बैठा हुआ है, सादिया सुमेरा बैठी, आबिद कोशी। देखो ये जिम्मेदार लोगों का होता है प्रोग्राम कि खाना खाते ही फौरन नहीं निकालना। लीगल एथिक्स इस वक्त हम खाना वाना खा के फारिग हो गए। बहुत मज़ेदार खाना था, बहुत अच्छा लगता था। आमिर क्या आपने एक अच्छे खाने किससे हमारी तवाज़ो की। ये आपकी जो कौरमा था बहुत शानदार कौरमा था, और जर्दा का जर्दा तो लाजवाब था यकीन करें। आमिर भाई आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे और हमेशा आपको खुश रखे। और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने खाने पे अच्छा कोऑपरेट किया। और इसके साथ ही चिल्लम चिल्ली करते हैं, औरंगी टाउन से आते हैं दोस्तों। इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा, आप इसको देखकर एंजॉय करेंगे। और ये रोज़ाना डेली के रूटीन ब्लॉग्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए, एक्टिविटीज़ हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।